से मिलाना चाहती हूँ। ये मेरी सासू माँ है, बहुत ही चुलबुली दादी सा है इस शो में, और इन्होंने एक एक कैरेक्टर एक अलग ही कुछ निभाया, क्योंकि हर शो में आप देखते हो कि दादी बहुत कड़क एक सास रहती है, लेकिन इस शो में दादी मेरी भी बात सुनती है और एक बहुत ही प्यारी और चुलबुली दादी है, और हर एक मामले में चाहे वो सही हो या गलत हो, दादी का कहना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना रुक्मणी का। और मेरे पतिदेव कैलाश महेश्वरी है, ये हमारे राजस्थान में कहते हैं कि बिजनेस में कमाना और इज्जत और पैसा बाद में आता है, लेकिन क्योंकि हमारे खानदान का एक खुद का बिजनेस है, तो इस बिजनेस में उनके साथ दे रहे हैं रमन जी जो मेरे देवर जी है, और इनके बेटी रेवती जो मेरी देवरानी है, इनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, देव और किरण। देव आज का लड़का है, और तो युवा पीढ़ी के ऊपर भी ये कहानी कुछ यहाँ भी घूम रही है। और भी सदस्य हमारे हैं, मेरा सार्थक का सबसे पहला डेली शो है ये, और इनको आपने पहले भी झलक में नच बलिए में देखा होगा, तो इस बार सार्थक मेरा सबसे बड़ा बेटा बना है। सार्थक के साथ निभा रही है इनकी पत्नी शीतल बहू मेरी, बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है, और बात बात पर रुक्मणी से सब छुपाने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन मैं इसे पकड़ लेती हूँ, और से छोटी और प्यारी पोती, आजकल इसके दांत गिर रहे हैं। और हमारे यहाँ एक दूसरा खानदान भी है हमारे साथ, और वो है रिया किन लास्ट वो तो लास्ट जो लीड है रिया, इनकी माता है लता जी, बहुत ही पॉजिटिव औरत है इस शो में। कामकाज, बाहर का कामकाज और गृहस्थी दोनों एक साथ निभाना, इनका कहना है कि औरत अगर काम कर सके तो वो गृहस्थी भी संभाल सकती है और नौकरी भी संभाल सकती है। और इनके साथ निभा रहे विशेष जी, विशेष जी काम करते हैं, 9 to 5 नौकरी करते हैं, शनिवार रविवार इनकी छुट्टियां रहती है, तो एक सरकारी नौकरी करते हुए ये एक मिडिल क्लास तरीके और तौर तरीके निभा रहे हैं। और हमारे लीड्स आए अभिमन्यु, मेरा सबसे छोटा बेटा, और शेफाली निभा रही है रिया, जो हमारे शो के दोनों प्यारे लीड्स है। तो ये हुआ हमारा पूरा खानदान, आप जरूर देखेगा, तुम ऐसे ही रहना। नवंबर 10 तारीख से रात 9 बजे सोमवार से शुक्रवार तक रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स द्वारा। ये एक गृहस्थी कहानी है सब, मतलब मुझे नजर आ रहा है कि आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, ये वही सास बहू शो है जो आपने पहले भी किया था। वेल ऑफकोर्स सास बहू के बिना तो कुछ चलता ही नहीं, और रश्मि का आई थिंक पल्स ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस का पल्स जानती है, वो जानती है कि सास बहू कैसे चलाना है। और सोनी के लिए एक एक रिफ्रेशिंग शो ऑफकोर्स है, सोनी एक सबसे प्यारा चैनल है जिन्होंने फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों ही आप देख चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ हटकर ये शो आप जरूर देखेगा, क्योंकि ये बहुत ही एक पॉजिटिव शो है, देयर इज नथिंग नेगेटिव इन दिस शो। अब प्रेस वालों
point, don't bite.